हे एवरीवन, सो दिस इज़ द 28th ऑफ मे एंड दोपहर के 12 बजे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बेसिकली, मतलब लाइक इस दिन मैंने बहुत लेट पढ़ना स्टार्ट किया है। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपने UPSC के प्रिपरेशन क्लास 6th का जो चैप्टर नंबर 4 था की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो कर रहा था मैं यहाँ पे। उसका एक लेक्चर देख रहा था फ्रॉम द चैनल ऑफ PW प्रारंभ, PWIS प्रारंभ। सो हाँ, मैंने वहाँ से लेक्चर देखा था एंड साइड बाय साइड नोट्स पढ़ा रहा था। सो यहाँ पे मैंने ये किया, बेसिकली मैंने लाइक काफ़ी लेट स्टार्ट किया था बिकॉज मैं काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था इस दिन, तो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया बट फाइनली स्टार्ट तो कर दिया, दैट्स गुड। बिकॉज लाइक समर वेकेशन में बहुत अनप्रोडक्टिवनेस आ रही है और मैं इसको ज़्यादा ठीक भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज समर वेकेशन में इन्जॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बट हाँ, पढ़ना भी ज़रूरी है बिकॉज 11th क्लास है, 11th 12th में तो समर वेकेशन को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए बिकॉज सीनियर क्लासेज है, लास्ट क्लास है, मतलब हाँ लास्ट ईयर है हमारा, सेकेंड लास्ट ईयर है हमारा स्कूल लाइफ का। सो हाँ, एनीवेज मैं अब प्रॉपर प्लान बनाऊंगा दैट किस दिन क्या क्या पढ़ना था। जैसे विद दिस क्वालिटी चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6, सो यस हम यहाँ पे अब टिक कर देंगे एंड द टाइम इट इज करेंटली 12:28, ऑलमोस्ट 12:30। सो ये शाम का टाइम है 6:30 का, जब मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहा था पहल बैच की, जो मैंने PW का बैच लिया उसकी। सो यहाँ पे चैप्टर 1 चल रहा था, इसका सेकेंड लेक्चर था बट ये मैंने कंप्लीट नहीं देखा, लाइक हाफ लेक्चर देखा एंड हाफ नहीं देखा बिकॉज लाइक मैं बहुत बोर हो रहा था। सर लाइक काफ़ी धीरे भी पढ़ा रहे थे, लाइक सर तो अच्छा पढ़ाते हैं बट लाइक थोड़ा धीरे, लाइक धीरे धीरे समझा रहे थे ताकि अच्छे समझ आए एंड मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है। सो मुझे लाइक काफ़ी बोर सा लग रहा था, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि बाद में इसको रिकॉर्डेड में देखेंगे, रिकॉर्डेड सेशन में देखेंगे 2x पे या 1.5x पे करके। सो हाँ, यहाँ पे मुझे लाइक काफ़ी बोर हो रहा हूँ और बेसिकली ये रीज़न नहीं है, एक तो पता नहीं इस टाइम पे क्या हो रहा था, लाइक मैं बहुत ज़्यादा लाइक अनप्रोडक्टिव हो रखा था तो मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था, लाइक एकदम लेजीनेस आई हुई थी। सो ऐसे काफ़ी सा स्लो सा फील हो रहा था, लेजीनेस आई हुई थी। तो देखो लाइक ये मेरी लाइक लाइफ क्लिप है एंड देन दिस इज द नेक्स्ट डे। मैं जल्दी उठ गया था, लाइक सुबह के 6 बजे उठ गया था एंड काफ़ी लाइक अच्छा प्लीजेंट वेदर हो रहा था बेसिकली। प्लीजेंट तो क्या, गर्मी तो बहुत पड़ती है बट स्काई काफ़ी अच्छा रहा है, या ये कह लो मैंने अच्छे से सिनेमैटिक शॉट लिया है तो इसलिए भी अच्छा लग रहा है। एनीवेज, हाय एवरीवन, वेलकम बैक, लाइक आई एम बैक, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड एज यू सॉ दैट कि मैंने कल कुछ भी खास नहीं पढ़ा, लाइक कल का दिन बहुत अनप्रोडक्टिव गया बट लेट्स मेक दिस डे प्रोडक्टिव। राइट नाउ द टाइम इट इज़ करेंटली 9:30, लाइक एग्जैक्ट 9:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के एंड आज मैं लाइक उठ गया था 6:30 पे उठ गया था, जल्दी उठ गया मैं बेसिकली। सो लेट्स मेक दिस डे प्रोडक्टिव। वैसे तो मेरा आज भी पढ़ने का कुछ खास मन नहीं कर रहा है बिकॉज समर वेकेशंस ऐसी चली कि प्रोडक्टिव से हम अनप्रोडक्टिव हो गए, मतलब मैं हो गया, आपका पता नहीं, लाइक आप ना हो तो अच्छा है, मेरी तरह अनप्रोडक्टिव। सो हाँ, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैंने टू डू लिस्ट बना ली है और अभी से मैं जब से मैं उठा हूँ, जब से मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ, सो टू डू लिस्ट बना ली है एंड कितना सारा बैकलॉग है कवर करना है, लाइक कल का बैकलॉग भी कवर करना है, इतने लेक्चर्स पेंडिंग हैं एंड आज का करना है वो अलग। सो हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको कंप्लीट करते हैं एंड बहुत गर्मी भी हो रही है, पता नहीं कैसे होगा बट करना तो पड़ेगा ही। सो एज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये था मेरा हिस्ट्री का सेशन, फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे एंड आई गेस लास्ट भी बिकॉज लाइक ये मेरा हिस्ट्री का सेशन था जहाँ पर मैंने ऑब्वियस फिर से UPSC की प्रिपरेशन किया, लाइक ये मैंने फर्स्ट चैप्टर किया, लाइक मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है क्लास 6 की भी। सो हाँ, ये मैंने लाइक अभी मैं PW से कर रहा हूँ, लाइक PW ओनली IAS प्रारंभ चैनल से एंड लाइक मैंने स्टार्ट कर दिया हिस्ट्री। हिस्ट्री भी लाइक काफ़ी अच्छी है बट थोड़ी सी लेंदी है क्लास, लाइक हिस्ट्री तो लेंदी होती है चाहे वो क्लास 6 की हो चाहे वो अभी की क्लास 11th की हो। एनीवेज, सो हाँ मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बार ये क्लास 6 का कर रहा हूँ। सो मैं अपनी समर वेकेशंस में क्लास 6 की इस UPSC की प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज जब स्कूल स्टार्ट होते हैं जब तो टाइम मिलेगा नहीं, लाइक रोज़ स्कूल से होमवर्क मिलता है तो अपनी वही 11th की पढ़ाई वापस से स्टार्ट हो जाएगी। 11th का तो मैं अभी ही पढ़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं एंड ये मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है थोड़ा, तो मैं इसलिए समर वेकेशन में इसको कर लेता हूँ, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ तो करें। सो ऐसे अब मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया एंड दिस इज़ वॉट माई नोट्स लुक्स लाइक।
सो मैंने कुछ इस टाइप के नोट्स बनाए हैं, लाइक सर पूरा डिक्टेट करके। ये जो ये वाले सर है ना, मैंने लाइक फर्स्ट टाइम पढ़ा है सर, बिकॉज ऑब्वियसली मैं फर्स्ट टाइम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास सिक्स की, सो फर्स्ट टाइम ही पढ़ूंगा ना, चैप्टर वन है ये। तो हाँ, इस टाइप के कुछ नोट्स बने हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, तो हाँ हो गया। सो मैं जस्ट अभी फेस वॉश करके आया हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 11:26 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 11:30 मान लो। एंड भाई क्या लेक्चर था, क्या क्लास था, मतलब मज़ा आ गया। मैंने अभी अभी हिस्ट्री स्टार्ट किया, एज यू नो दैट मैंने अभी हिस्ट्री स्टार्ट किया क्लास सिक्स की पोल अपना यूपीएससी के लिए, जिसमें मैं कि मैंने जब चैप्टर नंबर वन किया है, ऑब्वियसली स्टार्ट करूँगा तो चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो हाँ ये मेरे नोट्स हैं, आप मैंने आपको दिखा दिए होंगे। एंड बहुत अमेजिंग लेक्चर था, लाइक बहुत मज़ा आ गया पढ़ के। मतलब कि मैं अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन क्लास सिक्स के, जो मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ क्लास सिक्स का, उसकी प्रिपरेशन मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स की, मतलब जो भी है ज्योग्राफी पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ऐसा आपने देखा होगा पिछले व्लॉग्स में भी कि मैं PW ओनली IAS से कर रहा हूँ एंड उनके टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बेसिकली नॉट स्पॉन्सर्ड। और मज़ा आ गया पढ़ के, लाइक अभी मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास हिस्ट्री है। एंड ये क्लास सिक्स की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में, लाइक क्लास सिक्स की हिस्ट्री एकदम बेस है, लाइक पूरी हिस्ट्री के कोर्स का, पूरी हिस्ट्री का एक बेस है कि हिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो इसको पढ़ के मज़ा आ गया। ऑल दो ये मैंने अपनी क्लास सिक्स में पढ़ा था सालों पहले, वेन आई वॉज इन क्लास सिक्स, तो मैंने जब पढ़ा था, बट अब दोबारा पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ गया। जब तो भूल जब का तो मैं भूल चुका था, सभी भूल चुके होंगे। एंड अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आई थिंक आई विल टेक अ ब्रेक, मैं भी एक ब्रेक लूँगा एंड आफ्टर दैट मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। अभी मेरा क्लास इलेवेंथ का इतना बैकलॉग पड़ा हुआ है लेक्चर्स का, DPPs का, एंड मेरा हॉलीडे होमवर्क भी आ गया, कल हॉलीडे असाइनमेंट आ चुका है मेरा, मुझे वो भी करना है जो कि काफ़ी सारा है। और मेरा लाइक इतना बैकलॉग है क्लास इलेवंथ का, एंड मैं UPSC का कर रहा हूँ बिकॉज इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सबका अपना अपना होता है कि किसको क्या पढ़ने में मज़ा आता है, सबका अपना अपना होता है। सो यस, मुझे UPSC की इसके क्लास सिक्स का करने में मज़ा आता है बिकॉज ये बहुत ईजी भी है, क्लास सिक्स का है। एंड लाइक काफ़ी इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज की चीज़ें पता चलती रहती हैं, तो काफ़ी सही लगता है। सो हाँ, अब पढ़ाई का एक फ़्लो तो बन चुका है, बिकॉज मैं सुबह से पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, बट अब फ्लो बन चुका है। सो अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो यस, सो आफ्टर दिस मैंने बोल तो दिया कि मैं थोड़े ब्रेक के बाद आपको मिलता हूँ, बट सोचो क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ा। सो यस, इसके बाद मैं नहीं पढ़ा। बेसिकली तो मैंने वीडियो भी एडिट की थी, लाइक मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, लाइक मैंने जो पूरी एडिट की वो डिलीट हो गई, लाइक डिलीट नहीं हुई, यानी कुछ फेल्ड एरर आ रहा था। सो पूरी वीडियो एडिट करने के बाद मैंने दोबारा उसी वीडियो को एडिट किया, लाइक एक वीडियो को दो बार एडिट की। सो इतना टाइम लग गया थंबनेल बनाया, लाइक वीडियो का लाइक पूरा काम बन लग गया, मेरा यूट्यूब का काम में टाइम लग गया। एंड सेकेंड डेस्क की मैंने पढ़ा भी नहीं, बिकॉज टाइम तो था, लाइक रात का टाइम था, जब डिनर के बाद का भी टाइम था, बट मैंने जब भी नहीं पढ़ा, बिकॉज बता दिया ना, # अनप्रोडक्टिवनेस लेजीनेस। एनीवेज, सो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था, बिकॉज हमेशा आपको लगता हो दैट हम स्टडी ब्लॉगर्स कितना पढ़ते हैं, बट नहीं होता यार। देखो ये रियलिस्टिक साइड, ये भी एक लाइक अनदर साइड है रियलिस्टिक वाली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई एम एंडिंग दिस वीडियो।